लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। काजल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर तुम उन छोटे लोगों से डर गई जिनके पास छोटे दिल, छोटे दिमाग और छोटी बातों के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आवाज बड़ी बड़ी। चीख सकते हैं साले, गाली दे सकते हैं, लेकिन किसी को सहारा नहीं दे सकते, किसी को हिम्मत नहीं दिला सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। ये महेश जैसे लोग हैं ना, ये डरने की चीज नहीं है काजल, ये तो गली के वो पारिया कुत्ते हैं जो हर आने जाने वाले पे भौंकते हैं। उनसे क्या डरना, उनकी तो परवाह भी नहीं करना चाहिए। हम उन लोगों से नहीं, तुम्हारी बदनामी से डरते हैं साजन। ये सब बदनाम कर देंगे तुम्हें। बदनामी का डर तो उस दिन था जिस दिन मैं पहली बार धनराज की बाड़ी में आया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो सारे डर, वो सारे खौफ खत्म हो गए, सिवाय एक के, कहीं तुमसे मिलने का सपना अधूरा ना रह जाए। सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है साजन, और हकीकत ये है कि तुम्हारे और हमारे बीच लीलाबाई है, जग्गू है, धनराज की बाड़ी है। जो लड़की अपना घर छोड़ के आ सकती है उसे लीलाबाई, जग्गू तो क्या, उसे तो धनराज भी नहीं रोक सकता। घर के दरवाजे और जेल के दरवाजों में फर्क होता है साजन, एक अपनी मर्जी से खुलता है, दूसरा जेलर की मर्जी से। तुम मुझे अपनी मर्जी बता दो, बाकी मैं सब संभालूंगा। अब भी कुछ बताना बाकी है? नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात पूछे बगैर नहीं रहूंगा। तुम लोगों के जाल में फंस कैसे गई? साजन, सब कुछ एक भयानक कहानी जैसा लगता है। पता नहीं जो हम कहने जा रहे हैं वो शायद ही तुम सुन सकोगे, जो एक हकीकत है मेरी अपनी, आप बीती। एक पहाड़ी शहर, एक गहरी वादी, एक छोटा सा घर, नाना जी, नानी, जिन्होंने माँ के बाद हमें पाला, और हमारे बाबूजी बहुत अच्छे थे साजन। वो स्कूल में पढ़ाते थे मगर हर अच्छी चीज की तरह वो भी हमसे जल्दी छीन लिए गए। एक दिन वो स्कूल क्या गए कि वापस ही नहीं आए। कमाने वाला जब खत्म हो जाता है ना साजन, तब घर भी खत्म हो जाता है। नाना जी की छोटी सी पेंशन कैसे संभालती हमें, फाके होने लगे। तब हमने फैसला किया कि बाबूजी की जगह हम लेंगे, हम काम करेंगे। बहुत सी जगह चिट्ठियां लिखी, एप्लीकेशंस डाली, बहुत सोने बुलवाया भी, लेकिन आने जाने के पैसे नहीं थे। बंबई की एक कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया, साथ में आने जाने के पैसे भी थे। हमें ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो। हम बंबई आ गए और उसी पते पर गए जहां पर हमारा इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू लेने बहुत से लोग बैठे थे, उन्होंने हमारा एप्लीकेशन फिर से देखा, हमसे कई सवाल पूछे गए, हमारे घर में कौन कौन है, हम रहते कहाँ हैं। हमने सब कुछ सच सच बता दिया। हमें 1000 रुपये एडवांस के तौर पे घर मनी ऑर्डर करने के लिए दिए गए। हमें पोस्ट ऑफिस के बाहर वही आदमी मिला जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। उसने हमें गाड़ी में लिफ्ट दी, हम गाड़ी में बैठ गए, मगर हमने ये नहीं सोचा कि वो सफर कहाँ खत्म होगा। हमने अपने आप को धनराज की बाड़ी में पाया तो उस काल कोठरी को अपनी चीखों से तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। तब हमने फैसला किया कि हम अपनी जान दे देंगे। अचानक तुम अंदर आ गए, तुम्हारी आंखों में जिंदा रहने की एक उम्मीद नजर आई।
हम जीना चाहते हैं साजन, हम जीना चाहते हैं, लेकिन उस बाड़ी में नहीं, उस कोठरी में नहीं, उस अंधेरे में नहीं। हम जीना चाहते हैं साजन, हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। का जमाना बीत गया काजल, अब उजालों का मौसम आया है। चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। मां, मैं तुम्हारा कैसा बेटा हूं? मां, बहुत अच्छा वाला बेटा। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कैसे बच्चों वाले सवाल करता है? जवाब दो ना माँ। तू इस धरती पे हर चीज से प्यारा है। माँ, मैं जिसे प्यार करूंगा तू भी उसे प्यार करेगी। तू कहना क्या चाहता है काजल? ये काजल है, मैं इसे प्यार करता हूं। आ बेटी, नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो। ये साजन है ना, जरा सा पगला है, बिना कुछ बताए तुम्हें यहां ले आया। अगर पहले कहता तो हम तुम्हें देखने तुम्हारे घर आते। मां, काजल का घर नहीं है, काजल के माता पिता का ध्यान दे चुका है। फिर तुम यहाँ किसके पास रहती हो बेटी? जी मैं माँ, काजल वैष्णो की बस्ती में कोठे पर रहती है। ये बस कर रहा है तू? ये सच है माँ, और मैंने फैसला किया है कि काजल अब उस बाड़ी में कभी नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। ये बहुत सीरियस बात है साजन, किसी की जिंदगी का फैसला इस तरह नहीं किया जा सकता। इसकी जिंदगी का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसे बाजार में बैठा गया था। आज तो ये उस फैसले के खिलाफ अपील करने आई है। क्या हुक्म है इसके लिए? हरामजादे, तेरे ये मजाल की तो कोठे पर जाए, वहां की गंदगी को मेरे घर तक ले आए, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। साजन सर, अब मेरी बात तो सुनिए प्लीज। काजल एक अच्छे घर की शरीफ लड़की है। कोई बाजारू लड़की कभी शरीफ नहीं हो सकती। कम से कम आप तो वो गाली ना दें जो दुनिया वालों ने काजल को दी है। मैं इस दुनिया से अलग नहीं हूं और तुझे भी इसी दुनिया में रहना है। अगर यही आपकी दुनिया तो नहीं चाहिए मुझे आपकी दुनिया। नहीं चाहिए मुझे वो दुनिया जिसमें एक लड़की के सारे हक छीने जाए, बेटी होने का, बहन होने का, बीवी होने का। एक जिंदा इंसान को एक बेजान चीज की तरह बाजार में रखा जाए, उसका मोल लगाया जाए, उसे खरीदा जाए, उसे बेचा जाए और फिर कहा जाए कि यही दुनिया का दस्तूर है। नहीं चाहिए मुझे आपकी दुनिया, नहीं चाहिए मुझे आपकी दुनिया। तेरी ये हिम्मत मुझसे जबान लड़ाता है, मुझसे जबान लड़ाता है। तू दबा है, तू है, तू हमारे घर का चांद बढ़ा दे, तू जिंदगी हमारे चांद बढ़ा दे, चांद बढ़ा दे, तू जिंदगी हमारे। हाँ चलूंगा तुझे, हम चले जाते हैं यहाँ से। नहीं, तुम जहाँ भी जाओगी मेरे साथ जाओगी। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मत छोड़ी मुझे जिंदा, मार डालिए, मगर मैं काजल को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गेट आउट, तू मेरे घर में मेरे खिलाफ बगावत करके नहीं रह सकता। गेट आउट। अगर प्यार करना बगावत है, किसी को सहारा देना बगावत है, तो मैं आपके खिलाफ, आपके कानून के खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ बगावत करता हूँ। मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, और मैं वही करूंगा जो एक बागी को करना चाहिए।
साजन उठ लो साजन। क्या बात है? क्या हुआ? साजन हमने एक बहुत बुरा सपना देखा साजन। हमने देखा कि जग्गू तुम्हें मार रहा है। ए, लगता तुम्हारे दिल में जग्गू का डर अब तक है। तुम फिक्र न करो काजल, हमें कुछ नहीं होगा। हमें कुछ नहीं होगा काजल, हमें कुछ नहीं होगा। वो बहुत भयानक लोग हैं साजन, वो बहुत भयानक लोग हैं। एक और लड़की ने भी वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन धनराज ने उसे जिंदा जला दिया। हम उनसे नहीं बच सकते साजन, नहीं बच सकते। हम बच सकते हैं और हम जरूर बचेंगे। हम पुलिस के पास जाएंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, सुष्मी कह रही थी कि धनराज पुलिस को भी पैसे देता है, कहीं हम फंस गए तो भगवान ना करे। तो फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ धनराज का ध्यान भी हम तक ना पहुंचे। वो हमारा ध्यान न भी रखे तो क्या हुआ? हमें तो उसका खौफ हमेशा लगा रहेगा। न जाने कौन कब कहां से आ जाए। डर के साए में जीना बहुत मुश्किल होता है साजन, बहुत मुश्किल होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? हम घर नहीं जा सकते, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, हम किसी और शहर में नहीं जा सकते। हम जाएंगे कहां? हम बाड़ी जाएंगे साजन। बाड़ी? तुम पागल हो क्या? एक तो तुम वहां से इतनी मुश्किल से निकली हो और तुम अब फिर मौत की मुंह में जाना चाहती हो। आइंदा तुम बाड़ी का नाम अपनी जबान पे भी नहीं लोगी। बस थोड़ी ही देर के लिए चलेंगे साजन, हम लीला भाई से मिलने जाएंगे। वो बहुत अच्छी है साजन, अगर वो ना होती तो पता नहीं हम कहां होते। साजन, लीला भाई दिल की बहुत अच्छी है, वो जरूर हमारी मदद करेंगी, एक बार, सिर्फ एक बार। बोलो साजन, चलोगे ना? अगर लीला भाई हमारे लिए कुछ ना कर सकी तो फिर हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। कहो, चलोगे ना साजन? प्लीज, हमारी खातिर। ये तो क्या कह रही है? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं लीला भाई। ऐसा कुछ करो कि वो लोग हमें यहाँ से जाने भी दें और साजन को भी कभी कुछ न कहे। तू वो मांग रही है जो आज तक कभी किसी को भी नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता बेटी, यहाँ आने के तो कई रास्ते हैं, लेकिन जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत का रास्ता, और वो रास्ता भी धनराज की गली से होकर ही गुजरता है। तुमने हमें बेटी कहा है लीला भाई, कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। क्या ये लड़का तुझसे सचमुच प्यार करता है? ये हमारे लिए अपना घर छोड़कर आए हैं लीला भाई। आज अगर लीला भाई का अपना घर होता तो लीला भाई सब कुछ देखकर शहनाइयां बजवा देती, तेरे हाथों में मेहंदी रचाती और तुझे डोली में बिठाकर इसके साथ विदा कर देती। लेकिन लीला भाई जहां है वहां से बाहर आती नहीं, अर्थियां उठती हैं, कभी आदमियों की तो कभी अरमानों की। तेरी खातिर बिना जाने किस किस की अर्थियां उठेंगी। लीला भाई, यह तो तय है कि काजल यहां से जाएगी, खुशी से जाएगी या ना खुशी से, इसका फैसला करना आपके हाथ में है। सिर्फ एक ही रास्ता है, तू धनराज के पास जा और उसे मनाने की कोशिश कर, शायद तेरे दिल से निकली हुई कुछ बातें उसके दिल पर असर कर जाए। मुझे धनराज कहाँ मिलेगा? धनराज महल में, वहां हर रोज उसका दरबार लगता है।